सब्सक्राइब कीजिए मेगा फोटो स्टूडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश भालेराव, आप देख रहे हैं मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा यूजफुल शॉर्टकट की, कुछ शॉर्टकट की विंडोज़ का भी है और कुछ ज़्यादा से करके आपका जो क्लास है वो फोटोशॉप का है, फोटोशॉप के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्टकट की है। तो कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आपको विंडोज़ के भी शॉर्टकट की पता होना चाहिए, जो कि विंडोज़ ऑटोमेटिक ओपन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एक्सप्लोरर ओपन, एंड बटन, स्टार्ट बटन, डिलीट बटन, ये जो है ये बहुत कॉमन जो चीज़ है। लेकिन जो भी कुछ ऐसे विंडोज़ में भी नहीं शॉर्टकट की होता है और ना ही फोटोशॉप के भी जो आपको दिखता है वो तो होता ही है, और कुछ ऐसे शॉर्टकट की होता है कि मैनुअल क्रिएट किया जाता है, कुछ ऐसी शॉर्टकट की होता है कि याद रखना पड़ता है, अल्टर बटन से शुरू हो जाता है। तो वो शॉर्टकट की फोटोशॉप के अंदर नहीं रहता है, तो वो शॉर्टकट की कैसे बना सकते हैं, कुछ मैनुअल कैसे बना सकते हैं, फोटोशॉप के शॉर्टकट की भी कैसे देख सकते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो कि आपको हमेशा याद रहेगा और हमेशा यूज़ होगा और हमेशा ही वो आप वर्क करोगे तो आपको माउस की ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर तो कीबोर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नॉर्मली यहाँ पर आप माउस से जाकर डबल क्लिक करते हो तभी माई कंप्यूटर खुल जाता है। तो आप माई कंप्यूटर खोलने के लिए, ये मेरा सिस्टम जो है वो विंडोज़ 10 है, माई कंप्यूटर जब ओपन करना है तो आप स्टार्ट ई दबाओगे। ठीक है, तो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अल्टर टैब दबाओगे। अगर ये आपके विंडोज़ 2-3 एक्सप्लोरर ओपन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप माउस से यहाँ से क्लिक करते हो कि कितना अपना विंडोज़ ऑन है। अगर मैं एक गूगल ब्राउज़र का भी करता हूँ, गूगल का भी, तो यहाँ पर शो होता है। अगर आप मूवी वगैरह देखते हैं या कुछ भी डेस्कटॉप पे पिक्चर देखते हो, कुछ भी जो आपको ऑटोमेटिक मिनिमाइज़ करना है तो स्टार्ट डी दबाइए, सारा का सारा विंडोज़ अपना मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखना चाहते हो तो अल्टर टैब दबा के आपका कौन सी विंडोज़ आपको ओपन करना है तो वही विंडोज़ आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं फोटोशॉप का देखना चाहता हूँ, तो आपने फोटोशॉप का ओपन किया। ठीक है, तो और भी अगर मुझे यहाँ पर फाइल लेना है तो फाइल लेने के लिए मैं यहाँ पर जो विंडोज़ आती है, ये देखिए मेरे फ़ोटो की यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये कैसे आती है, अल्टर पी से चले जाती है। ठीक है, अल्टर पी से पूरा चला गया। ठीक है, अगर मुझे इस फोटो की इमेज की सेटिंग देखना है पूरी की पूरी, उसका साइज़ क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, पिक्चर कौन से कैमरे की है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे अल्टर पी प्रेस करोगा तो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर व्यू में जाइए और यहाँ पर डिटेल स्पेस पे। ठीक है, तो ये अभी आ जाएगा अल्टर पी। ओके, तो फोटोशॉप ओपन करने के लिए अल्टर टैब। ओके, तो इससे फोटोशॉप अपना एक्सप्लोरर ओपन दिखाई देगा। ठीक है, मिनिमाइज़ करने के लिए फिर से, अगर मैं यहाँ से 8-10 इमेजेस ओपन करता हूँ तो देखिए, और नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे फ़ोटो मेरे ओपन हो गए। अगर मुझे एक एक फ़ोटो क्लोज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा, सारे मुझे विंडोज़ क्लोज़ करना है एकदम, तो मैं कंट्रोल क्यू करूँगा तो ये मेरा पूरा फोटोशॉप और पूरी विंडोज़ क्लोज़ हो जाती है। अल्टर F4 से भी हो जाती है, और मुझे एक एक फ़ोटो क्लोज़ करना है तो कंट्रोल W से क्लोज़ कीजिए। कंट्रोल W से एक एक फाइल सारी की सारी क्लोज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई सबसे पहले ओपन एंड क्लोज फाइल की। ठीक है, तो फोटोशॉप का जो शॉर्टकट की है तो वो आप यहाँ से भी पूरा का पूरा फोटोशॉप का शॉर्टकट की दे सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट अल्टर शिफ्ट कंट्रोल के। ओके, तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपका जितने भी ये ऊपर के जो विंडोज़ है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टैब, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडोज़ हेल्प, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और इसके अंदर के शॉर्टकट की भी दिखाई देंगी। ओके, कंट्रोल N से न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन के लिए कंट्रोल O है, ब्राउज के लिए ब्राउज एंड ब्रिज के लिए अल्टर कंट्रोल O है। तो ठीक है, तो ये सारे शॉर्टकट की यहाँ से भी,
लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्टकट की कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड है और शिफ्ट कंट्रोल जेड से ज़्यादा पीछे जा सकते हैं, अल्टर कंट्रोल जेड से एक बार जा सकते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ से एक फ़ोटो ओपन करता हूँ तो ये भी ओके तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो एक ओपन कर दिया। ये माउस से आगे पीछे हो रहा है फ़ोटो, अगर आपका फोटोशॉप से नहीं हो रहा है तो आप कंट्रोल के प्रेस कीजिए, जनरल परफॉर्मेंस में आएगा, ये सेटिंग यहाँ से ओपन हो गई, ठीक है। एडिट में जाके परफॉर्मेंस से अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ स्किप से, ये देखिए यहाँ से आप, मैंने ये स्टार्ट भी क्लोज कर दिया है और यहाँ देखिए जूम विथ स्क्रॉल व्हील, तो यहाँ पर टिक मार कीजिए, आपका फोटो माउस के रिंग से भी जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग यहाँ से भी है, यहाँ से आपका ग्राफिक्स कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा तो आप यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड पर टिक मार कीजिए तो आपका ग्राफिक्स कार्ड फोटोशॉप के लिए यूज़ होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का भी आप यहाँ से हिस्ट्री का भी जो टेटस्ट है वो ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं। तो आपको अगर पीछे जाना है एकदम स्टार्टिंग वाला फ़ोटो और बिफोर आफ्टर देखना है, पूरे के पूरे जो हिस्ट्री है वो देखना है, तो आप यहाँ से हिस्ट्री का टाइमिंग स्टेटस बढ़ा सकते हैं। तो मैं लगभग 100, 150 या 500 भी रख सकते हैं, 1000 तक रख सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट की पता चल गया यहाँ से फोटोशॉप की शॉर्टकट की, और मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ से चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप की जो शॉर्टकट की होती है वही रख लीजिए, अगर आपने चेंज किया तो बाकी की शॉर्टकट की भी चेंज हो जाती है, बाय डिफॉल्ट जो फोटोशॉप की वही रखना अच्छा रहता है। अगर आपने चेंज किया तो बहुत बाकी की भी सेटिंग इधर उधर हो जाती है, तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्टूल है, स्टूल के तो नॉर्मल है, यहाँ से माउस लेके जाओगे नॉर्मली तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट की भी पता चलेगी और यहाँ पर विंडोज़ भी ये स्टूल किस काम के लिए आता है ये भी पता चल जाता है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की, और इधर के अंदर के जो स्टूल है वो चेंज करने के लिए आप शिफ्ट बटन प्रेस करके वही शॉर्टकट की, अगर मुझे ये क्रॉप स्टूल नहीं लेना है ये नीचे वाला लेना है तो शिफ्ट और सी प्रेस करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी। समझो कि मैंने यम स्टूल लिया सिलेक्शन स्टूल और मुझे यहाँ पर गोल वाला सिलेक्शन स्टूल लेना है तो शिफ्ट और यम प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन के अंदर के स्टूल चेंज हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा काम में आ जाता है। मुझे किस लिए काम में आ जाता है कि यही मुझे ये गोल करना है, अगर मुझे नहीं ये वाला सिलेक्शन स्टूल चाहिए ऐसे सिलेक्ट करने के लिए, और इसको डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस किया और यहाँ पर ऐसा बड़ा कर लिया तो ये हो गए। और इसको फ्लैटन इमेज करना है तो ये भी शॉर्टकट की, अगर यहाँ से फ्लैटन इमेज भी आप कर सकते हैं कि यहाँ से फ्लैटन इमेजेस ऑप्शन है, या तो फिर आपको शॉर्टकट की क्या है फ्लैटन इमेज करने के लिए, ये अलग अलग स्टूल हो गए, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर ब्रश वो जान दो, चलो फ्लैटन इमेज करने के लिए अल्टर एल एफ ओके, तो ये फिर से पीछे जाता हूँ, अल्टर अल्टर से क्या होगा, ये ऊपर की जो विंडोज़ है फाइल एडिट इमेज तो ये सिलेक्ट हो जाती है, अल्टर प्रेस करता हूँ, देखिए उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई सबके नीचे, और मुझे आगे किस में जाना है, ठीक है। तो मुझे जाना है लेयर पर, लेयर पे जाके सबसे नीचे है यहाँ पर फ्लैटन इमेज, ठीक है। तो फिर से देखिए अल्टर एल और एफ ओके, तो ऐसे आप शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ठीक है। मुझे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देखना है तो देखिए यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पर भी शॉर्टकट की नहीं है, नीचे लेयर पर है कंट्रोल एल, कर्व पर भी है, एक्सपोजर पर नहीं है, कलर लुकअप पर भी नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ों पर शॉर्टकट की नहीं है। तो ये कैसे क्रिएट करोगे, अगर मुझे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देखना है इस इमेज का ओवर है अंडर है तो मैं अल्टर आई ए सी ओके, तो यहाँ पर मैंने 0 कर दिया, आ गया नीचे,
ये देख लिया, कंट्रोल जेड वापस गया, फिर से देखना है, फिर से ऐसे कंट्रोल आई सी, कंट्रोल आई वी, ओके ऑब्रेस है, ओके एक्सपोजर देखना है, कंट्रोल आई ए ई, ओके। तो यहाँ पर जो भी मैंने पीछे वाले पहले फोटो के लिए जो यूज़ किया है वही सेटिंग उसमें आ जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं शॉर्टकट की, जिसको शॉर्टकट की नहीं उसको अल्टर आई ए सी, ओके। तो आप ऐसे शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे ये फोटो क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू मैंने क्लोज किया, नो किया, ओपन करने के लिए डबल क्लिक किया, और भी बाकी एक्शन के द्वारा भी शॉर्टकट की बन जाती है कि जैसे कि मैंने ये सी ले लिया और यहाँ पर मैंने साइज़ लगा के रखा है, सेव किया है, तो मैं ये साइज़ यहाँ पर लगा दिया और F3 बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिक पासपोर्ट फोटो भी बन गए। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है मेरा पासपोर्ट फोटो का। आप देखना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि ये पासपोर्ट फोटो कैसे क्रिएट किया जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। बहुत सारे फोटोशॉप के मैंने जो एक्शन है वो मैं बना के सारे वीडियो दे चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। तो चलिए अपने शॉर्टकट की तरफ बढ़ जाते हैं फिर से, ओके। अगर मुझे क्लोज करना है कंट्रोल डब्ल्यू नो, और दोबारा वापस पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड, ये एक एक बार कभी कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फिर से स्टार्टिंग वाली इमेज देखना है तो आप नॉर्मली F9 प्रेस कीजिए तो यहाँ पर विंडोज़ एक्शन की विंडोज़ आ जाती है, यहाँ पर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे जाकर भी आप देख सकते हैं कौन से देखना है, ओके। तो ऐसे भी हैं, और ये देखिए मैं दोबारा काम करके दिखाऊँ आपको, बहुत सारा काम किया और यहाँ पर F9 प्रेस किया, ऑटोमेटिक मेरा सॉफ्ट स्किन होने लगा, ओके। ये मैं यहाँ पर जो बटन प्रेस कर रहा हूँ वो है मेरा ब्रैकेटिंग की, एंटर बटन के ऊपर पी के बाजू में, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे मेरा ये फोटो बन गया पूरा का पूरा, मुझे एक एक स्टेप पीछे जाना है तो आप यहाँ पर कितनी हिस्ट्री रख सकते हैं, 1000 तक आपने परफॉर्मेंस सेटिंग से क्रिएट किया था, ओके। तो वो हिस्ट्री यहाँ पर शो होती है। वापस जाने के लिए मैं यहाँ पर आ गए, और क्या करना है, अगर मुझे एक न्यू फाइल लेना है तो न्यू फाइल पे आप भी यहाँ पर जाके न्यू फाइल लेते हो, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगर मुझे इस फोटो को फाइनल मैंने बना लिया और मुझे डार्जिंग बर्निंग करना है तो डार्जिंग बर्निंग कैसे किया जाता है, ठीक है। सपोज़ कि मैं इस पे आता हूँ, मुझे डार्जिंग बर्निंग करना है तो मैं ये मैंने कर दिया, सपोज़ कि XYZ सही तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्टकट की बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में। बाकी फोटोशॉप के तो सारे वीडियो अपने चैनल पर तो अवेलेबल ऑलरेडी है, ओके। हाँ, एक मुझे ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है, यहाँ की जो ओपेसिटी है तो ये 0 का बटन है, 0 से लेकर 9 तक, तो यहाँ पर भी वो ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं। ओपेसिटी किस लिए कम ज़्यादा करना पड़ती है, अगर मुझे यहाँ पर 20% ओपेसिटी दे तो 20% का ब्रश आ जाता है, अगर मुझे 100 का करना है तो मैंने 0 प्रेस किया तो 100 की ओपेसिटी बन गई, अगर मैंने 4 का बटन प्रेस किया तो 40% ओपेसिटी हो गई, 6 बटन प्रेस किया तो 60% ओपेसिटी हो गई, ओके। तो ये भी शॉर्टकट की बहुत यूज़फुल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। और मुझे यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लेयर क्रिएट किया, अगर लेयर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल जे से मैंने डुप्लीकेट किया, ठीक है। और न्यू लेयर ब्लैंक लेयर लेना है तो मैं इसको पहले फ्लैटन इमेज कर देता हूँ, ओके। मैंने फ्लैटन इमेज कर दिया, सपोज़ कि मुझे डार्जिंग एंड बर्निंग करना है, ठीक है। तो डार्जिंग एंड बर्निंग करने के लिए आप ब्लैंक लेयर ले सकते हैं, तो ब्लैंक लेयर लेने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ से ब्लैंक लेयर ले लिया, तो मुझे यहाँ पर 50% ग्रे वाला चाहिए डार्जिंग बर्निंग करने के लिए,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। वी से डिलीट हो गया, डिलीट का बटन प्रेस किया तो, और मुझे 50% ग्रे वाला चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एन से प्रेस किया और यहाँ पर सॉफ्ट लाइट और यहाँ पर फिल सॉफ्ट लाइट एंड कलर 50% ग्रे कलर मैंने और यहाँ पर किया। तो यहाँ देखिए न्यू कलर न्यू लेयर तो आ गया और उसके साथ में 50% ग्रे कलर भी ऐड हो गया। और नॉर्मली मैं यहाँ पर ओ प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डार्ज एंड बर्निंग का स्टूल आ जाता है। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो लंबा वाला जो ब्रश है वो है डार्क स्टूल और नीचे वाला हैंड स्टूल है वो बर्निंग स्टूल। ओके, तो डार्क करना है, डार्क से क्या होगा, वाइट होगा। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं शिफ्ट ओ प्रेस करके चेंज करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट ओ से अभी वाइट होगा। देखिए ऊपर वाला डार्क स्टूल है तो यहाँ पर ओपेसिटी कम करना है तो मैं ओपेसिटी 30% करता हूँ और यहाँ पर देखिए अभी ओके। तो ये बिगनर के लिए सही है और अब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। ओके, कहीं पर मुझे डार्क करना है तो डार्क करने के लिए मुझे यहाँ पर शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ तो लगे स्टूल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी इसको 20% और यहाँ पर मैंने ओके। तो ऐसा होता है डार्क एंड बर्निंग, यहाँ से ऑपेसिटी कम करना है तो यहाँ से भी मैंने ऑपेसिटी कम कर दी। ओके, तो ऐसा काम होता है। और यहाँ से मैंने फ्लैटन इमेज करना है तो फिर से यहाँ से भी है अल्टर एल एफ से भी, और दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल शिफ्ट ई से भी फ्लैटन बन जाता है। ठीक है, तो लेयर एक दूसरे पर पूरे के पूरे मर्ज हो जाते हैं। ओके, और आगे क्या बताना है, स्टूल ये हो गई शॉर्टकट की, स्टूल का तो सामने ही आता है सारे, ये जब आपको ज़्यादा तक पता हो जाता है। ठीक है, सी क्रॉप के लिए है, पेन स्टूल के लिए आए, अगर मुझे यहाँ पर वी ले लिया, मैंने ब्रश ले लिया, ठीक है यहाँ पर मैंने वाइट कर दिया सपोज के 100% से। ओके, और मुझे यहाँ पर दूसरा कलर देना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का कलर मुझे सेलेक्ट करना है तो अल्टर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखिए वाइट आ गया, यहाँ पे लिप का आ गया, यहाँ पर ग्रे वाइट, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, और यहाँ पर राइट क्लिक करके सिमिलर कीजिए। सिमिलर से क्या होगा, जो भी पार्ट एक बार क्लिक किया था जो वाइट आ गया था तो वाइट जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा सिलेक्ट होगा। अगर मुझे यहाँ पर अंदर का पार्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको अल्टर प्रेस करके माइनस होगा और शिफ्ट प्लस करके सिलेक्शन प्लस होगा तो निकलना है ये, तो अल्टर प्रेस कीजिए और यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कीजिए तो नॉर्मली जो भी सिलेक्शन हट जाता है। ठीक है, तो राइट क्लिक कर कर अभी इसको ब्राइट कर देते हैं। ओके, ये ब्राइटनेस हो गया। अगर डिलीट भी करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। हेयर कटिंग करने के लिए बहुत ही अपने चैनल पे वीडियो है अवेलेबल, वो देख लीजिए, एक ना एक बाल आप कट कर सकते हैं। मैं ये आपको शॉर्टकट की बताने के लिए ही ओके और डिलीट सॉरी यहाँ पर नीचे एक्स और डी से वो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर कोई भी कलर हो, अलग अलग कलर हो और आपने सिर्फ नॉर्मली डी दबा दिया तो ऑटोमेटिक ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, नीचे ब्लैक वाइट और ऊपर ब्लैक ऐसा ही चाहिए। तो मैं यहाँ से कंट्रोल डिलीट करता हूँ तो ये पूरी डिलीट हो जाता है बैकग्राउंड सिलेक्शन। ओके, और भी मुझे यहाँ का भी पार्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट डिलीट। ओके, और सी क्रॉप ले लिया, मैंने ये फोटो ऐसा साइज लगाने के लिए अगर हाँ, और एक शॉर्टकट की एकदम बेहतर। ठीक है, आपको ये जो है मैं यहाँ पर सेव करके रखता हूँ। ठीक है, तो ये आपके फोटोशॉप में नहीं आता है सिलेक्शन, आप 4x6 5x7 6x8 8x12 जो भी फोटोशॉप में ज़्यादा यूज़ होता है वो क्रॉप स्टूल,
तो ये आप यहाँ पर भी राइट क्लिक बटन पर लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगाया मैंने, सपोज कि मुझे यहाँ पर 3.5 4.5 मैंने साइज लगा दिया, यहाँ पर अभी साइज कुछ भी नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। ओके, अभी इसमें कौन सा साइज नहीं है, सपोज कि 5x7 नहीं है, 5x7 का मैं लगा देता हूँ। एंटर प्रेस किया, 5 इंचेस टैब, 7 इंचेस टैब, 300 रेजोल्यूशन, ये साइज हो गया। यहाँ पर क्रॉप करना है, ये बार बार आपको यूज़ करना है आगे वाले फोटो पर। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर न्यू क्रॉप प्रीसेट, ओके, और ओके करना है सिंपल। अभी राइट क्लिक करके देखिए, यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये ऐसे साइज मैंने बाय डिफॉल्ट लगाया है पासपोर्ट फोटो के लिए, आई कार्ड के लिए। आई कार्ड की 3x4 की साइज़ होती है, पासपोर्ट की 35x45 साइज़ होती है, 4x6 साइज़ ज़्यादा यूज़ होती है कि नहीं। 5x7 में ज़्यादा देता हो तो 5x7, 6x8, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ऐसे भी। और ये सबसे अच्छा तरीका है, मान लो कि ये ज़्यादा फोटो है, ये मुझे फटाफट क्रॉप करना है और इसको साइज़ लगाना है, तो राइट क्लिक किया, 4x6 ऐसे डबल क्लिक किया, हो गया सेलेक्ट, ठीक है। इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस कीजिए, तो उसी जगह पर जो भी पहला फोटो है उस पर ही सेव हो जाता है, ठीक है। तो मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ, तो क्लोज, इसको भी ऐसे क्लोज, ओके। अभी इसको साइज़ चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो आपकी साइज़ चेंज हो जाएगी, हाइट की जगह पे विड्थ आएगा और विड्थ की जगह पे हाइट आ जाती है, ठीक है। तो देखिए अभी, ओके, अभी दूसरा फोटो, अगर मुझे इसको ऐसा करना है तो फिर से ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर से करना है, फिर से पीछे जाना है तो यहाँ पर हिस्ट्री पे क्लिक किया, ओके, क्लोज करना है, कंट्रोल डब्ल्यू, नो, कंट्रोल डब्ल्यू, नो। और भी कलर करेक्शन का भी शॉर्टकट की कैसे यूज़ हो जाता है, कलर करेक्शन के शॉर्टकट की कैसे यूज़ हो जाता है, अगर मुझे इसको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है तो कंट्रोल एम से मैंने ब्राइट किया, कर्व बढ़ा दिया, कंट्रोल एल से लेवल बढ़ा दिया, ओके। एडजस्टमेंट में जितने भी सारे में इस पर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मुझे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है तो अल्टर ए सी देख लिया, यहाँ पर मेरा फोटो ओवर भी नहीं है, अंडर भी नहीं है, तो ये देख लिया। मुझे ब्राइटनेस करना है सपोज कि 10%, कॉन्ट्रास्ट करना है माइनस, ओके, तो ये किया। और मुझे येलो टोन कम करना है तो बैलेंस पे गया मैं, कंट्रोल बी, ओके, तो यहाँ पर येलो टोन मैंने कम कर दिया, रेड टोन कम कर दिया, मैजेंटा इतना कंफर्टेबल है, हाईलाइट पर भी मैंने येलो टोन कम कर दिया, शैडोज है तो शैडोज में भी कम कर सकते हैं, ओके। तो और भी एक्सपोजर बढ़ाना है तो अल्टर आई ए ई एक्सपोजर में यहाँ पर ज़्यादा तक मेरा रहता है 0.40, इतना भी नहीं, सॉरी, ओके, इतना 10% के आसपास, 0.10 के आसपास मेरा रहता है, तो फोटो एकदम अच्छा बन जाता है। तो आपको मैं पूरा पीछे जाके दिखाता हूँ, देखिए, ओके, एकदम इजी तरीके से मेरा बन गया। और F7 प्रेस किया तो यहाँ पर लेयर बॉक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये जो इतने सारे जो शॉर्टकट की है वो हमेशा यूज़ होता है फोटोशॉप के लिए, ठीक है। तो और एक बार कि मुझे ये फुल के इमेज देखना है तो मैं शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ तो ये चली जाएगी, टैब यूज़ करता हूँ, ठीक है, फिर से टैब यूज़ किया, कंट्रोल आर यूज़ किया, F प्रेस किया तो एकदम फुल इमेज हो गई। फिर से जाना है तो ये प्रेस किया, यहाँ के ऑप्शन लाना है तो मैंने टैब प्रेस किया, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों को ऐसे भी हो जाता है कि अगर मेरा ये टूल चेंज हो गया, आपने जो स्कैप लॉक यूज़ किया तो ये आपका टूल चेंज हो जाता है, सपोज़ कि ब्रश लेता हूँ, आपका अगर ऐसा आ गया तो आपको लगता है कि ये आप स्कैप लॉक प्रेस कीजिए तो स्कैप लॉक से आपके जो स्टूल है
स्टूल का डिफरेंट दिखाई देता है, ठीक है। पीएम से भी सबको आपको ऐसा स्टूल दिखाई देगा, तो आप कैप लॉक प्रेस कीजिए तो ये स्टूल सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसे बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देने का शॉर्टकट की कैसे है कि इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट करो, पूरी की पूरी इमेजेस सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल एक से कट हो जाएगी, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगी, ओके। फिर से एक बार नीचे यहाँ पर ब्लैक लेना है, ठीक है। एक्स बटन प्रेस करोगे तो ऊपर वाला यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है, एक्स बटन से। तो नीचे ब्लैक चाहिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गए, डुप्लीकेट लेयर बन गया, कंट्रोल टी, और यहाँ से छोटे करना है। तो छोटे करने के लिए आप यहाँ से ऐसे कंट्रोल टी प्रेस करो और यहाँ पर लॉक कीजिए विथ और हाइट को, और एक को सिलेक्ट कीजिए। तो आप यहाँ से ऐसे एरो की का बटन जो है यहाँ पे 90% लेना है और एंटर करना है, ओके। और बॉर्डर देना है तो आप स्ट्रोक देना है, यहाँ से एडिट पे जाके यहाँ पर स्ट्रोक होता है, 7 का स्ट्रोक दिए दिए वाइट कलर का, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की कैसे है, अल्टर ई एस आ गए, ये देखिए आप फिर से दिखा देता हूँ आपको, ओके। डिस्कनेक्ट, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट टी और अल्टर ई एस। यहाँ पे कलर कौन सा देना है, रेड कलर देना है तो रेड कलर, ओके। अगर वाइट कलर देना है तो कंट्रोल आई ई एस, ओके, वाइट कलर आ गए। तो ऐसे भी आप सिंपल तरीके से बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। फ्लैटन इमेज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ई से मर्ज करो या फ्लैटन करो, जो भी मैंने दोनों भी आपको शॉर्टकट की बता दिया। तो ये भी तरीका है सेव करने के लिए, कंट्रोल अल्टर यस, सेव एज, और यहाँ पर जो भी नाम देना है आपको नाम दे दीजिए, 4x6 1, सेव, ओके, कंट्रोल डब्ल्यू, नो, क्लोज हो गए, ओके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, पसंद आता है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, और भी कुछ आपका सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और एक ज़रूर कमेंट भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस।